हाय गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके बाजू में जो बेल है आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके एंड ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज आ रही है सो डोंट माइंड, फैंस वगैरह ऑन है बिकॉज इट्स टू हॉट। सो आज का वीडियो कुछ डिफरेंट वीडियो है। आज मैं अपने ट्रैवल एसेंशियल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये दोनों पाउचेस में मैंने रखे हैं एंड उसके अलावा भी, इसमें तो कुछ बैठने नहीं वाला था तो उसके अलावा भी कुछ स्टफ्स है। सो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो इट डिपेंड्स कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, कौन से ओकेजन के लिए जा रहे हो। सो इट डिपेंड्स एवरीथिंग, बट मैंने जिसके लिए सामान पैक किया है वो है मेरी सिस्टर की वेडिंग के लिए। सो वेडिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेकअप कैरी करना पड़ता है बिकॉज यू आर गोना डू हैवी मेकअप लुक्स, राइट। सो आपको बहुत ज़्यादा मेकअप यू नो कैरी करना होता है, मेकअप कहो, स्किन केयर, क्लोथ्स, एवरी सिंगल थिंग जो बहुत ज़्यादा होता है। एंड मैं 10 to 15 days के लिए जा रही हूँ, आई नो विच इज़ क्रेजी। सो अगर मैं इतने दिन के लिए बाहर जा रही हूँ सो आई हैव टू टेक अ टन्स ऑफ मेकअप्स, तो इसलिए मैंने इसे कुछ ऐसे पैक किया एंड मैंने बहुत शॉर्ट लिस्ट करने की कोशिश की है बट स्टिल मेकअप इतने से इतना हुआ है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कम लेके जाऊँ बिकॉज उठाना तो मुझे ही पड़ेगा। सो इसलिए या सो अभी एक एक करके प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये पाउच ओपन करते हैं एंड सबसे पहले हम बेस मेकअप के साथ यू नो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, आई हैव टू प्राइमर्स ओवर हियर, दिस इज माइलियो प्राइमर एंड दिस इज ब्लू हेवन प्राइमर। बिकॉज ये जो है ये नॉर्मल स्किन कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है, तो जब भी मैं ज़्यादा ऑयली नहीं होगी सो आई कुड ट्राई दिस एंड व्हेन आई एम एक्सट्रीमली ऑयली आई कैन अप्लाई दिस। मुझे दोनों को मिक्स करके भी अप्लाई करना अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने ये दो प्राइमर्स रखे हैं। देन फाउंडेशन के लिए मैंने 3 फाउंडेशन रखे हैं, समटाइम्स हैवी, समटाइम्स लाइट। सो जब मुझे हैवी मेकअप चाहिए आई कैन यूज़ मेबलिन फिट मी और एल्स आई कैन यूज़ लैक्मे परफेक्टिंग लिक्विड। मुझे इन दोनों को मिक्स करके मेरा परफेक्ट शेड बनाना भी अच्छा लगता है बिकॉज दिस इज लिटिल डार्क एंड दिस इज लिटिल लाइट। सो एंड जो डेली वेयर तो नहीं कहूँगी मैं, बट जब मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए होगा, लाइट मेकअप चाहिए होगा, तब आई कैन यूज़ दिस ओलिविया फाउंडेशन विच इज़ माई करंट ऑब्सेशन, आई रियली लाइक। एंड डेली वेयर के लिए मैंने ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम रख दी है, सो आई शुड जस्ट ओपन इट फ्रॉम द पैकेजिंग बिकॉज ये जो है ये ज़्यादा यू नो जगह खाएगी, सो आई एम ट्राइंग टू मेक दिस थिंग्स वेरी कॉम्पैक्ट। सो इसके बाद अगेन मैंने कॉम्पैक्ट्स रखे हैं, तो कॉम्पैक्ट्स के लिए मेरे पास है 3 ऑप्शंस, रीज़न है 3 क्यू है। फर्स्ट है ये SPF वाला मेबलिन सुपर वाइट, बिकॉज अगर मैं बाहर कहीं जाऊँगी सो आई हैव टू यूज़ दिस विच आई हैव हिट द पैन। रेगुलर बेसिस के लिए यानी कि जब छोटे मोटे फंक्शंस के लिए तो आई कैन यूज़ दिस बिकॉज इसमें SPF है, सो आई कैंट यूज़ दिस इन फंक्शंस एंड फोटोग्राफीज, तो इसलिए मैं ये फेसेस का यूज़ करूँगी। एंड जब मेन फंक्शन है आई एम स्वेटिंग अ लॉट एंड जब मैं ज़्यादा ऑयल सिक्रेट करूँगी सो आई विल यूज़ दिस रिमेल स्टे मैट एंड आई ऑल्सो हैव 1 लूज पाउडर विच इज़ लैक्मे लूज पाउडर, दिस इज़ माई ओनली लूज पाउडर आई हैव। सो इसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें रैंडमली बताऊँगी जो भी मेरे हाथ में आती है। सो फर्स्टली मैंने ये आई लैशेज लिए है, ये मैंने अपने रिसेंट हॉल में बताए थे, तो मैंने ये एक ही लिया है, मुझे अच्छे से लगाना भी नहीं आता है, सो आई विल सी लगाऊंगी या नहीं, बट आई हैव टेकन दिस लैशेस। एंड देन मैंने एक मिरर लिया है एंड आई एम सॉरी मैं बार बार अपने हेयर्स को ऐसे कर रही हूँ बिकॉज दे आर नॉट इन अ मूड टू लिसन मी। सो मैंने एक ये मेकअप रिमूवर लिया है, दिस इज ऑयल बेस्ड, तो ये छोटी क्वांटिटी में इसलिए मैंने ये वाला लिया है, सो यू नो आई कैन कैरी बेटर, सॉरी। सो नेक्स्टली मैंने 2 मस्कराज लिए हैं, ये जो है मेबिलिन का कलोसल, ये है वाटरप्रूफ वर्जन एंड ये एसेंस का आई लव एक्सट्रीम है, तो ये वाला जो है वो नॉन वाटरप्रूफ है, सो आपके पास दोनों होने चाहिए इसलिए मैंने ये दोनों ले लिए। देन आई हैव 2 आईब्रो पेंसिल्स अगेन, ये है ADS की एंड ये है MN की, बस ऐसे ही रख लिए दोनों, पता नहीं, नो रीजंस। एंड 3 लिप लाइनर्स लिए हैं मैंने, सो एक है रेड, एक है पिंक एंड एक है न्यूड, सो ये किसी पे भी आपको आ जाते हैं एंड ये तीनों ही MN के हैं, ट्यूलिप से आ गए ये सुपर मैट, ऐसे ही कुछ है MN के। एंड देन आई हैव 1 कलर्ड लाइनर, ओनली 1 ब्लू वाला, यू कैन सी दिस, सो मैंने ये लिया है।
मे बी आई कैन यूज दिस स्वैट टू दिस एंड देन फॉर लाइनर मैंने तीन लाइनर लिए, एक याकिना का पेन लाइनर, जस्ट गिव यू अ स्वॉच, ओके। तो ये याकिना का एक ले लिया है मैंने, बिकॉज दिस इज वेरी हैंडी अगर मेरे पास कम टाइम हो तो। देन एक मैंने ये डेजल्ट का लिया है, माय फेवरेट, ये बहुत ही छोटू सा है, सो यू नो वी कैन ट्रेवल इट वेरी इजिली, बट ये वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ नहीं है, इसलिए मैंने ये नेल्फ का भी लिया है। सो व्हेन आई वांट वाटर प्रूफ वगैरह, सो आई कैन टेक दिस, बिकॉज वाटर प्रूफ मेकअप रिमूव करने में थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए मैंने नॉन वाटर प्रूफ मेकअप्स भी रखे हैं, सो यू नो आई कैन बैलेंस। एंड देन मैंने ये लिया है लूज शिमर कवर गर्ल का गोल्डन, बिकॉज शादी सीजन है, सो गोल्डन के बिना इट्स वेरी इनकम्प्लीट। देन लिप बाम के लिए मैंने वादी हर्बल्स का लिया है, एंड आई गेस मैंने मेबलिन का भी रखा था, सो या आई हैव दिस मेबलिन ऑल्सो, दोनों ही रखे हैं, कैन यूज एनी थिंग। सो अभी आई लैशेज को स्टिक करने के लिए आई लैश ग्लू, बट आई डोंट नो यूज करूंगी या नहीं। एंड ये है आई लैश कर्लर, एंड देन वॉट आई हैव, सो आई हैव माई ब्यूटी ब्लेंडर पूना स्टोर वाला, आई हैव आई थिंक आई हैव टू वन मोर ब्यूटी ब्लेंडर, सो अगर वो मिलता है तो आई विल शो यू, बट मैंने दो रखे थे। एंड येस मैं आपको बताना भूल गई, कंसीलर के लिए मैंने अपना फेवरेट ओलिविया पेन स्टिक ली है, दिस इज ऑल टाइम फेवरेट, मैं चाहूँ तो फाउंडेशन की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ, मैंने एक मॉइस्चराइजर भी रखा है। सो इस वीडियो में कोई भी स्किन केयर इंक्लूडेड नहीं है, बट मॉइस्चराइजर मेकअप में भी रखता है, इसलिए मैंने इसके दो रखे हैं, बिकॉज दिस इज स्मॉल साइज, सो मैंने एक अपनी मेकअप बैग में भी रखा है एक स्किन केयर। सो लेट मी नो इफ यू वॉन्ट अ स्किन केयर ट्रेवल एसेंशियल्स और समथिंग काइंड ऑफ वीडियो। सो मैं ये वाली ब्यूटी ब्लेंडर की बात कर रही थी, मैंने इसे आज यूज किया है इसलिए ये डर्टी है, बट एनीवेज मैं वॉश करके ही लेके जाऊंगी। सो नेक्स्ट थिंग आई हैव इज दिस मेबलिन मास्टर कॉन्टोर किट, बिकॉज दिस इज एसेंशियल, इसमें आपको कॉन्टोरिंग ब्लश एंड हाईलाइटर तीनों चीजें मिल जाती है, सो आपको एक्स्ट्रा कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट थिंग आई हैव इज दिस काजल, ये है लॉरियल का काजल, मुजिक काजल, बहुत अच्छा है, आई लाइक इट, वन स्वाइप में ब्लैक है, लॉन्ग लास्टिंग है, सो आई टुक दिस। एंड देन आई हैव सम ऑफ दिस, दिस इज लाइक रियली गुड, अगर आपके पास ये है तो आपको एक्स्ट्रा हाईलाइटर्स की कोई भी जरूरत नहीं है। सो मैंने हाईलाइटर पैलेट ही ले लिया, बिकॉज मुझे अपने लिए अपने मॉम के लिए भी मेकअप कैरी करना होता है, सो बिकॉज वी बोथ आर वेरी डिफरेंट शेड्स, इसलिए उसके लिए भी हो जाएगा, एंड अगर किसी और को भी चाहिए होगा शादी वादी में तो उनका भी काम हो जाएगा, इसलिए आई टुक दिस पैलेट। मेकअप हमेशा शेयर करना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली मेरे पास तो इतना है कि शेयर करना चाहिए ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो, सो इसलिए मैंने ये लिया है। एंड आई हैव टू मोर हाईलाइटर्स, दिस इज क्रेजी, बट आई हैव टू मोर हाईलाइटर्स, आई कांट लिव विदाउट हाईलाइटर्स, एवरी फंक्शन में अपना बेस मेकअप करूँ ना करूँ हाईलाइटर शुड बी देयर। सो फर्स्ट हाईलाइटर आई हैव इज दिस सिवाना शिमो ब्रिक, आई कांट लिव विदाउट दिस, दिस इज माई होली ग्रेल, आई थिंक इट्स होली ग्रेल, बिकॉज दीज डेज आई हैव सो मेनी हाईलाइटर्स, बट स्टिल आई लव दिस, आई लव दिस, आई कांट लिव विदाउट दिस हाईलाइटर, दिस इज अमेजिंग। एंड सेकेंड हाईलाइटर आई हैव इज दिस इन कलर हाईलाइटर, लेट मी शो यू इन द शेड हाई बीम, दिस इज ऑल्सो वेरी ग्रेट हाईलाइटर, आई थिंक यू नीड अ स्वॉच, दिस इज रियली अमेजिंग हाईलाइटर, आई रियली लाइक इट, सो मैंने ये भी रख लिया है, मे बी आई विल सॉर्ट समथिंग, बिकॉज इतने हाईलाइटर्स की ऑब्वियसली मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो अभी देखते हैं मेरे यूज एंड लार्ज वाले आइटम्स जो बैग में आ नहीं रहे थे, यानी कि मेकअप बैग्स में आ नहीं रहे, सो मैंने ये किसी और जगह रखे हैं, मतलब अभी तक सोचा नहीं कैसे ट्रैवल करूँगी, बिकॉज थिंग्स कैन ब्रेक राइट। तो मैंने ये लिया है एडीएस का अल्टीमेट पैलेट, बिकॉज एज आई टोल्ड मुझे अपने मॉम वगैरह के लिए भी कैरी करना पड़ता है मेकअप, सो आई थॉट कि ये ले लेती हूँ, बहुत सारे शेड्स है तो बहुत सारे जनों के लिए हो जाएगा, प्लस इसमें कलर करेक्टर्स भी है, मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर किसी को पड़ती है तो दिस कैन बी यूजफुल राइट। सो नेक्स्ट आई हैव माई फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट आई शेडो पैलेट, मिस रोज आई शेडो पैलेट, इसमें मुझे मैट्स शिमरी सेटिंग फिनिश सारे आई शेडोज मिल जाते हैं, सो मुझे कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं इसके अलावा, लेकिन स्टिल मैंने जो है और एक पैलेट डाल दिया है, ये है स्विस ब्यूटी का फैशन आर्टिस्ट पैलेट, दिस इज अमेजिंग पैलेट, इसमें भी आपको कॉन्टोर ब्लश एंड हाईलाइटर मिल जाता है,
यू कैन सी कॉन्टोर ब्रश हाईलाइटर, बट इसका जो हाईलाइटर है बहुत ज़्यादा सटल है, ज़्यादा इतना ग्लो नहीं है इसका, मतलब इट्स ओके काइंड ऑफ हाईलाइटर। तो ये मैं इतना तो यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज आई एम अ बैंग बैंग हाईलाइटर काइंड ऑफ पर्सन, एंड इसमें जो है बहुत ही न्यूट्रल आई शेडोज है, सो आई थिंक एवरीडे बेसिस वगैरह के लिए हो जाता है ये पैलेट, इसलिए मैंने ये भी रख लिया है। एंड अभी सिर्फ बाकी है मेरे मेकअप टूल्स, मेकअप ब्रशेस, ब्यूटी स्पॉन्ज तो मैंने आपको बता दिए, सो ओनली थिंग लेफ्ट इज माई मेकअप ब्रशेस, सो अभी वो भी देख लेते हैं। तो फेस ब्रशेस के लिए मैंने तीन ब्रशेस लिए हैं, एक ये है बफिंग ब्रश, मैं इसे अपना फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर सकती हूँ अगर मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई नहीं करना है तो, देन आई कैन अप्लाई कॉन्टोर, देन आई कैन अप्लाई ब्लश, एवरीथिंग इससे हो सकता है। स्टिल आई टुक दिस ब्रश, तो इससे मैं अच्छे से कॉन्टोर कर सकती हूँ, एंड देन इससे मैं अपना पाउडर भी अप्लाई कर सकती हूँ पूरे फेस पे, इसलिए मैंने ये दो ब्रशेस रखे। एंड थर्ड लास्ट ब्रश है मेरा फैन ब्रश विच आई लव, सो यू नो हाईलाइटिंग पर्पज के लिए दिस इज द बेस्ट ब्रश। देन मैंने ये चार जो है वो ये ब्रशेस रखे, आई ब्रशेस, ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, देन ये टेपर्ड ब्रश है, इससे आप इनर कॉर्नर्स वगैरह में भी आपको हेल्प हो जाती है, एंड ये आई शेडो पिक करके भी यू नो लिड पे आप अप्लाई कर सकते हो, एंड ऑनेस्टली मुझे तो वो अपने फिंगर्स से ही अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट टू ब्रशेज आर दी स्पॉन्ज ब्रशेज, तो अगर मैं कोई स्मोकी आई टाइप कर रही हूँ सो यू नो आई कैन स्मज इट, देन ये अंडर आई के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, एंड दिस इज द डिटेलिंग ब्रश अगर मैं इनर कॉर्नर्स में हाईलाइट कर रही हूँ ब्राउ बोन को, सो दिस इज ऑल्सो गुड। सो ये सारे मेरे ट्रैवल एसेंशियल्स थे फॉर मैरिज, तो मैरिज थी इसलिए मैं इतना सारा मेकअप लेके जा रही थी, बट नॉर्मल ड्रेसेस पे इतना मेकअप लेके जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत होती नहीं है। सो आई रियली होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा, एंड आई एम सॉरी बिकॉज वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया होगा। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।